स्टैंडर्ड 5 के लिए हिंदी परिश्रम की कमाई का ये आपके पास है, और इस परिश्रम की कमाई में प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हम लोग जो परिश्रम से कोई भी कार्य करते हैं वो बहुत ही बेहतर होता है, चाहे वह पढ़ाई हो या धन हो या कोई ऐश्वर्य हो। आप जब कोई भी परिश्रम मेहनत से करते हैं तो वो जिंदगी में बहुत ही लाभदायक होता है। उसी के एविडेंस में आपको शब्दार्थ है, गुण मतलब अच्छाई, समाप्त मतलब खत्म होता है, आहट मतलब पैर की खटक, कार्य का मतलब काम होता है, काल मतलब समय होता है, प्रसन्नता मतलब खुशी होती है, आग्रह मतलब जिद होता है, और प्रतिज्ञा मतलब प्रण होता है, सफल मतलब कामयाब, और प्राचीन का मतलब पुराना होता है। तो आइए चलते हैं कि परिश्रम मनुष्यों का एक ऐसा गुण है कि जो उसको सफलता की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? सफलता की ओर। परिश्रम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परिश्रम में ही ऐसी गुण पाई गई है। और सारे जीवन के दुख में जो हम है उसको समाप्त कर जीवन में प्रसन्नता ला देती है परिश्रम करने वालों को। परिश्रम की कमाई से खाई गई रोटी चाहे वह सुखी हो वह बहुत ही मीठी लगती है। मेहनत से कमाया गया धन ही मनुष्य के काम आता है। प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल यानी समय की बात है। दयालपुर नामक गांव में पानी का अकाल पड़ा था। खाने की बात तो दूर, पीने के लिए पानी तक के लाले पड़ गए थे। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन करने लगे थे। पलायन मतलब अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की तरफ जाकर रहने लगना, उसको पलायन कहते हैं। वहां के राजा को बड़ा ही चिंता हुआ इस बात से। राजा ने राज्य के एक प्रसिद्ध महात्मा जी को बुलाया और सारा हाल बताकर कोई सही उपाय का अनुरोध किया। महात्मा जी ने राजा को समझाया, गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया जाए, तालाब में वर्षा का पानी भर जाएगा तो तालाब की खुदाई करने वालों को मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और इससे लोग गांव छोड़कर बाहर भी नहीं जाएंगे। राजा ने महात्मा की सलाह मान ली और महात्मा जी से एक तालाब खुदाने के लिए जो कहा, तो गांव वाले तालाब की खुदाई करने लगे और गांव छोड़कर जाने का इरादा छोड़ दिया कि अब हम गांव नहीं छोड़ेंगे, अब गांव में ही रहना है। गांव वाले रोज तालाब खोदते और शाम को महात्मा जी से पैसे प्राप्त कर लेते। उसी गांव में दाऊद नाम का एक चोर भी रहता था। उस गांव में एक चोर भी रहता है, हर एक गांव में एक चोर इंसान सभी तरह के लोग रहते हैं। तो उस गांव में भी एक चोर रहता था जिसका नाम दाऊद था। उस चोर को जब यह बात पता चली तो उसने सोचा, जरूर राजा ने महात्मा जी को धन दिया है, जरूर दिया है धन। और यह सोचकर जिससे वह लोगों को मजदूरी बांटता है, और चोर रात को धन चुराने के लिए महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गया। चोर ने पूरी तरह कुटिया को अच्छी तरह छान मारा, परंतु उसे कहीं भी धन नहीं मिला। चोर की आहट सुनकर महात्मा जी भी जग गए और उन्होंने चोर से पूछा, तुम धन चुराने आए हो? लो यह झोली। और उल्टो चोर ने झोली उल्टी तो खन खन करके झोली से सिक्के गिरने लगे। झोली सीधी करते ही सिक्के गिरने बंद हो गए। महात्मा जी ने चोर से कहा, ले जाओ जितना धन चाहिए। चोर सिक्के उठाने लगा, परंतु चोर जो भी सिक्का उठाता वह तुरंत मिट्टी बन जाता था। धीरे धीरे सिक्के मिट्टी के बन गए। महात्मा जी ने कहा, यह जादुई धन है, यह उसी को मिलता है जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है। बिना परिश्रम किए लेने से यह मिट्टी बन जाती है। चोर की समझदार, परिश्रम से ही धन कमाया जाता है। और उसने चोरी का विचार छोड़ दिया और दूसरे दिन वे तालाब खोदने के काम में लग गए। शाम को महात्मा जी ने झोली उल्टी करके सभी लोगों को मजदूरी के सिक्के बांटे। कुछ सिक्के उस चोर को भी मिले, परंतु इस बार
कमा कर चोर बहुत खुश हुआ और उसने कभी चोरी ना करने की प्रतिज्ञा की। तो हम इस कहानी से देख रहे हैं बच्चे, मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे काम में आते हैं, क्योंकि मेहनत से किए गए कार्य सफल होते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा नीचे, दो तीन प्रश्न है, एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, तीन प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, कहता है गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों जाने लगे। यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न है, गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों जाने लगे। प्रश्न उत्तर में पहला, गांव के लोग गांव छोड़कर क्यों जाने लगे। इसका आंसर लिखेंगे, पानी की कमी के कारण गांव के लोग गांव छोड़कर जाने लगे। प्रश्न संख्या दूसरे में हम लोग लिखेंगे, चोर द्वारा चुराया गया धन मिट्टी की क्यों बन गई। चोर द्वारा चुराया गया धन मिट्टी के क्यों बन गए। क्यों बन गया हम लिखेंगे यहां पर, तो बिना परिश्रम के कमाए धन सभी मिट्टी के बन जाते हैं। अतः चोर बिना परिश्रम का बिना परिश्रम के कमाए धन सभी मिट्टी के बन जाते हैं। अतः चोर बिना परिश्रम का धन ले जा रहा था जो मिट्टी के बन गए। हमारे काम क्या आता है। अभी का अगला क्वेश्चन है, हमारे काम क्या आता है। तो क्या लिखेंगे, परिश्रम और मेहनत से प्राप्त किया गया धन हमारे काम आता है। तो ये आपके लिए पहला एक्सरसाइज का है, इसके आगे जो भी है क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद, आप लोग इसे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे।